डिजो वॉच डी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो नाउ गाइस, यहाँ पर अभी इंडिया में डिजो की तरफ से डिजो वॉच डी जो अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये जो स्मार्टवॉच नहीं है डिजो की तरफ से जो डिजो ने लॉन्च किया है, इसके पहले भी डिजो ने और भी कई सारे स्मार्टवॉचेस लॉन्च किए हैं। जैसे कि मेरे पास अभी जो एग्जांपल है ये डिजो की तरफ से डिजो वॉच 2 है, देन इसके बाद आया था डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स, और इसके बाद ये है डिजो की तरफ से एक और वॉच डिजो वॉच डी। यहाँ पर मेरे जो अब तक जितने भी डिजो के वॉचेस लॉन्च हुए हैं उसके कंपेयर में ये जो वॉच है इसमें आपको सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इसका डिस्प्ले साइज। इस डिजो वॉच डी में 1.8 इंच का एक डिस्प्ले आता है जो कि ह्यूज डिस्प्ले है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस किया डिजो की कि डिजो जब भी कोई स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करता है उसके जो बॉक्स के जो साइजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो स्मार्ट वॉच है इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, तो ये जो स्मार्ट वॉच है मुझे 1900 रुपये का पड़ा, यानी कि 1900 रुपीज़ में मैंने स्मार्ट वॉच को परचेस किया है। अब यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच का जो प्राइस है वो बढ़ के हो चुका है 2500 रुपीज़, और यहाँ पर इसमें आपको टोटल 5 कलर से जो इसमें अवेलेबल मिलते हैं, और जो मेरे पास है जो कलर है ये है बेसिकली ग्रे वाला, जो ग्रे वाइट कलर है ये कलर है जो मेरे पास जिसे मैं अभी अनबॉक्स करने वाला हूँ। वैसे डिजो के जो वॉचेस होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो इसके पहले ये जैसे कि वॉच है मेरे पास डिजो वॉच 2, इसका भी पूरी तरीके से मेटेलिक फिनिश के साथ में आता है, लेकिन जो इसके पहले डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स लॉन्च हुआ था उसमें मेटेलिक फिनिश इतना नहीं था, तो लेकिन यहाँ पर डिजो वॉच डी है इसमें आपको मेटेलिक फिनिश देखने को मिलता है, यू कैन सी राइट हियर। तो लेट्स अभी इस डिजो वॉच डी को अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं इसका फर्स्ट लुक कि एग्जैक्टली ये जो स्मार्ट वॉचेस है आपको फर्स्ट लुक में कैसा देखने को मिलता है। डिजो जब भी वो स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करते हैं उनके जो बॉक्स के जो शेप होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, और ये मैंने हमेशा से नोटिस किया है, और डिजो के पर्टिकुलर बेसिस पे जो एप्लीकेशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम होते हैं। सो नाउ ओपन करते हैं इस डिजो वॉच डी 1.8 डिस्प्ले वाले स्मार्ट वॉचेस को। तो पहली बात, जो स्मार्ट वॉच है इसका थोड़ा सा मुझे वेट इतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, बट यस जस्ट ओके बैठे। इसमें एक ये वॉच है, वॉच के साथ में यहाँ पर बैक साइड में है एक यूज़र मैनुअल्स, और इसके बाद इसमें आता है एक केबल जो कि है मैग्नेटिक, तो आपको इसे मैग्नेटिक तरीके से चार्ज करना होगा, और इसके साथ में कोई एडेप्टर नहीं आता है तो आप इसे अपने मोबाइल के चार्जर के साथ में ईजिली इसे चार्ज कर सकते हो। सो दैट्स इट। तो बॉक्स में आपको सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं, पहला है चार्जिंग केबल, सेकेंड है यूज़र मैनुअल्स, एंड देन इसके बाद है वॉच। इसके अलावा बॉक्स पूरा का पूरा खाली है। सो बॉक्स को साइड में रख दें, देन इसके बाद यहाँ पर है ये इसका अट्रैक्टिंग लुक। ओ माय गॉड, इसका डिस्प्ले साइज इट्स 1.8 इंच। वैसे ज़्यादा केसेस में मैं स्मार्ट वॉचेस को इतना ज़्यादा परचेस नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर जो इस ये जो वॉच है मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, बिकॉज ये आई थिंक मैं इसका एक महीने पहले से बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था जब ये लॉन्च हुआ था, और ऑब्वियस सी बात है इसका जो लुक है वो आपको ऑलमोस्ट डिजो वॉच 2 की तरह ही देखने को मिलेगा। अगर और यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको मेजर कुछ चेंजेस देखने मिलेगा नहीं। तो ये जो मेरे पास स्मार्ट वॉचेज है डिजो वॉच 2 जिसमें है 1.69 इंच का डिस्प्ले, और इसका जो डिस्प्ले साइज़ है सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन जो अंदर का जो डायल पैड है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले का जो विजिबिलिटी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो नाउ तो ये है हमारा डिजो की तरफ से डिजो वॉच 2। अब ये जो डिजो वॉच 2 है इसमें जो स्ट्रैप है ये पूरी तरीके से प्लेन है, इसमें आपको कोई भी टेक्सचर या फिनिशिंग नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये जो डिजो वॉच डी है इसमें आपको ये टेक्सचर देखने को मिलता है जिसमें थोड़ा ज़्यादा मेजर चेंजेस किया गया है। लेकिन अगर मैं डिस्प्ले साइज़ के हिसाब से कंपेयर करूँ तो डिस्प्ले साइज़ यू कैन सी कि ऑलमोस्ट दोनों का ही जो डिस्प्ले है वो सिमिलर ही है, लेकिन अंदर का जो डायल पैड जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ये जो डिजो वॉच 2 है इसका जो अंदर का जो ब्लैक कलर का डायल पैड है ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, और इसका जो अंदर का डायल पैड है ये थोड़ा सा पतला है, जिसकी वजह से ये 1.8 इंच का है। लेकिन जो साइज़ का अगर मैं कंपेयर करूँ इससे इस डिजो वॉच 2 से तो ये पूरा का पूरा सेम है, कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट फिर भी नॉट बैड। और यहाँ पर ये जो स्ट्रैप्स है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इस स्ट्रैप्स को चेंज भी कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पर आपको डिजो के और भी डिफरेंट टाइप्स के कलर वाले जो स्ट्रैप्स है वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये मैंने इसे स्विच ऑन कर दिया। यहाँ पर आपको सिंपल से बटन को प्रेस करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा लैंग्वेज चूज़ करने का। उसके बाद यहाँ पर आपको QR कोड आएगा, इस QR कोड को आपको अपने डिजो के एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्ले स्टोर पर आपको जाना है, प्ले स्टोर पर आपको डिजो एप्लीकेशन सर्च करना है।
और जैसे आप डीजो सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको एक डीजो की एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड देन इसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा, उस क्यूआर कोड से आपको डायरेक्टली इसे स्कैन कर लेना है। तो लेट्स मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। लेकिन जो स्मार्ट वॉच का जो साइज़ मुझे लग रहा है, जो वेट है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस डीजो वॉच 2। तो अगर जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, यहाँ पर आपको डाउन साइड में एक मी का ऑप्शन दिखेगा, इस मी के ऑप्शन पर टैप करना है और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। ऊपर की तरफ आपको एक क्यूआर कोड का ऑप्शन यानी कि स्कैनर का ऑप्शन दिखेगा, या तो डायरेक्टली जैसे आप स्मार्ट वॉचेस को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आपको ये जो डीजो वॉच डी है इसका जो नाम है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इवन जितने भी सारे डीजो के वॉचेस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल हो डीजो का तो वो भी से उसे आपको कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं दो तरह से इसे कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं एक बार कनेक्ट होता है कि नहीं। तो पहली बात यहाँ पर डीजो वॉच डी है, अगर नाम आ रहा है तो सिंपल से आपको इस पर टैप करना है। एंड देन इसके बाद इसे आपको अपने स्मार्ट वॉचेस के नज़दीक में रखना है और डायरेक्टली आपका जो स्मार्ट वॉचेस है ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको आएगा एंड देन ओके कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पर जो डीजो वॉच डी है ये आपके स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये आपको ज़रूर कर लेना है, बिकॉज ये अपडेट आता है डीजो की तरफ से, जिससे कि जो डीजो का जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा अपडेट होता है, जिसमें डीजो मेजर चेंजेस करते रहता है, जिसकी वजह से आपको जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ मिलता है। जब भी डीजो की एप्लीकेशन अपडेट हो या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो तो आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, जिससे कि आपका यहाँ पर अदरवाइज इसका फीस अपडेशन जीरो से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अभी जो स्मार्ट वॉचेस है इसका सॉफ्ट स्मार्ट वॉचेस ने जो डीजो का एप्लीकेशन है इवन इसमें भी कुछ सॉफ्टवेयर के जो अपडेट्स है वो इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, यू कैन सी। तो दोनों में अपडेट हो रहा है। तो जैसे आपका स्मार्ट वॉच है यानी कि जो डीजो वॉच डी है वो आपके एप्लीकेशन के डीजो के एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही आपको स्मार्ट वॉचेस के जो पूरे के पूरे ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, यानी कि इसमें स्मार्ट वॉचेस में बैटरी कितनी है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो पूरा कनेक्ट होने के बाद जो UI सिस्टम है डीजो वॉच डी का वो आपको ऐसा पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर इसके एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में ओवरव्यू नहीं करूँगा, ये सिर्फ मैं एक नॉर्मल सा अनबॉक्सिंग है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसका जब रिव्यू टॉपिक कवर करूँगा तो मैं इसके रिलेटेड और भी टॉपिक्स कवर करूँगा। तो यहाँ पर आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यू कैन सी राइट हियर, और ये बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस मैंने अभी देखा है जो डीजो वॉच 2 में नहीं था। तो फिलहाल यहाँ पर इसका कनेक्टिंग का प्रोसेस हो चुका है, अब इसके बाद इसका थोड़ा सा सेटिंग के बाद चेकआउट कर लेते हैं। तो ये इसका होम पेज है, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर आप टैप करते हो बैक साइड में तो ये इसका नोटिफिकेशन पैनल है। देन इसके बाद ये है इसका पूरा एक्टिविटी सिस्टम यानी कि एक्टिविटी डेटा पूरा सिस्टम आपको UI का वो ऐसा देखने को मिलता है। वैसे इसका जो फीचर्स है फीचर्स के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में एक्सपीरियंस करूंगा, देन इसके बाद जब मैं इसका रिव्यू टॉपिक कवर करूंगा जिसमें मैं आपको इसके पूरे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, यू कैन सी। तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद जब आप इसके इस वाले ऑप्शन पर टैप करते हो बटन पर जब आप प्रेस करते हो तो कुछ नहीं होता, स्क्रीन ऑफ हो जाता है। राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में आप करते हो तो स्टेप काउंट्स के ऑप्शन है, स्लीपिंग मोड्स है, हार्ट रेट्स के लिए है, वेदर चेकआउट्स है एंड देन म्यूजिक कंट्रोल, ये 5 से 6 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। देन इसके बाद यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में है ये इसका सेटिंग बार, जिसमें आपको जो ऑलमोस्ट जो UI सिस्टम है वो आपको डीजो की तरह डीजो वॉच 2 की तरह मिलेगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है एंड देन इसके बाद यहाँ पर इसके सेटिंग्स में आप जाओगे तो ये इसका वॉच फीचर्स के ऑप्शन है। सो ओवरऑल इट्स नॉट बैड दैट मच। तो फिलहाल अभी मैं स्मार्ट वॉचेस को थोड़ा मैं एक्सपीरियंस करूंगा एंड देन इसके बाद इसके तरफ वर्किंग हार्ट रेट्स SpO2 को भी पूरा मैं चेकआउट करूंगा, चेक करते कि इसका एक्यूरेसी होता है कि नहीं। तो मैं इसके रिव्यू टॉपिक्स में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डीजो वॉच 2 के साथ में तो इसका जो पहली बात मेटेलिक फिनिश है वो थोड़ा सा ये मुझे वेटेड लग रहा है डीजो वॉच 2 के कंपेयर में, लेकिन इसका जो लुक है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है और अट्रैक्टिव दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस डीजो वॉच 2। खाली एक चेंजेस ये कि इस दो चेंजेस इसमें मुझे लगे हैं, पहला जो स्ट्रैप्स का क्वालिटी है वो उसमें बहुत इंप्रूवमेंट किया गया है, और सेकंड एक और चीज़ है जो है इसका डिस्प्ले साइज़। और डिस्प्ले साइज़ को अगर मैं देखूँ इतना ज़रा मेजर चेंजेस नहीं, बट फिर भी जैसे मैंने स्क्रीन को ऑन किया है देन उसके बाद जो लुक लग रहा है स्क्रीन डायल पैड्स का, ऑब्वियस सी बात है ऐसा लगता है कि ये डीजो वॉच 2 के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा इसका डिस्प्ले साइज़ लगता है। लेकिन जब आप स्क्रीन को ऑन करते हो तो लेकिन जब आप स्क्रीन को ऑफ कर देते हो तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखता है। तो लेट्स मैं इसको जरा हाथ में पहन लेता हूँ तो एग्जैक्टली देखते हैं इसका लुक कैसा लगता है जब हम इसको हाथ में पहनते हैं। तो इसको मैंने अभी हाथ में पहन लिया है और एक अभी जो मेरा जिस तरीके से मैं इसे फील कर पा रहा हूँ
मैं श्योर को ये हाथ में जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा जमाएगा, लेकिन जब इसको हाथ में आप पहनते हो तो आपको थोड़ा सा ये हैवी जैसा फील करेगा, कि ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा वेटेड स्मार्टवॉच ऐसा लगेगा, लेकिन जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्टवॉच बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। सो ओवरऑल इट्स नॉट बैड दैट मच। सो गाइस, यहाँ पर ये जो मेरा चैनल है, ये फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल और क्रिएट किया है, जिसमें मैं कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप मेरे फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, मैं चाहता हूँ आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करें। वहाँ पर भी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को वॉच करिए। उसके जो लिंक्स है वो वीडियो के डाउन साइड में है, मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक। तो प्लीज़ आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ लाइक द वीडियो। आई होप लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।